अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक आप सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। हमारा देसी पाकिस्तानी खाना करेले गोश्त, जो कि मैं बना रही हूँ फटाफट, और साथ ही मैंने रख दिया है जी शीर खोरमा मीठे में। तो जैसे इन लोगों को खाना सर्व करते हैं तो फिर निकलते हैं हम मार्केट के लिए, क्योंकि आज है हमारा प्रोग्राम शॉपिंग करने का। भाई के पास एक लंबी लिस्ट है यहाँ से शॉपिंग करने की, जिसमें बच्चों की फरमाइश है, भाभी की कुछ चीज़ें हैं, और इंशाल्लाह हम उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करेंगे। फिर खाना खाते हैं और निकलते हैं शॉपिंग के लिए, तो आएँ साथ रहें। पहुँच चुके हैं हम मार्केट, और खैर से आप लोगों को देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि हम आए हैं यहाँ से अबाए लेने। बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है, और स्पेशली ये जो बाजियाँ अबाए पहन के खड़ी हैं इतनी सारी, इनके डमी फिगर पे जो लगते हैं अबाए, माशाल्लाह से ये देखें, इस बाजी ने जो अबाया पहना हुआ है बहुत ही खूबसूरत न्यू स्टाइल का, आगे दुपट्टा स्टाइल भी है और सर पर भी ओढ़ा हुआ है बाजी जी ने। और बच्चों को जो मैंने है जी अबाए ऑनलाइन दिखा के ही सेलेक्ट किए हैं, माशाल्लाह इतने खूबसूरत थे, मैं कंफ्यूज़ हो रही थी, फिर मैंने उनको ऑनलाइन दिखाए और उन्होंने सेलेक्ट किए अपने अबाए। ये देखें दो बाजियाँ, ये भी हाथ जोड़े खड़ी हैं, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था ब्लैक में, आला। और जो अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन बटन दबा के रखें। मेरा थोड़ा सा है गला ख़राब, क्योंकि आजकल ना नींद पूरी होती है ना रूटीन सही होती है, ड्यूटी, घर, काम, भाई सब। चलें जी, मैंने कर लिए हैं जी 6 अबाए सेलेक्ट बच्चियों के माशाल्लाह से। फिर हम यहाँ से निकल के अब चलते हैं नेक्स्ट शॉप पे। ये कौन सी शॉप है? ये है बेडशीट्स की शॉप, बहुत ही खूबसूरत आला प्रिंट के साथ। यहाँ पे इतनी वैरायटी है माशाल्लाह से, मैंने ये 3 चूज़ कर ली हैं, बाकी भी साथ साथ चल रही है खैर से। तो ये हम करवाएंगे यहाँ से स्टिच, जिसमें हमें लग गया था आधा घंटा हमने यहाँ वेट किया। ये देखें, हमने एक चादर ये भी ली है जो इन भाइयों ने पकड़ी हुई, और ये भाई अपने बेड की नाप को लेके बहुत कन्फ्यूज़ थे बेचारे, अल्लाह इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। जो प्रिंट हमने चूज़ किए हैं वो हमें यहाँ से स्टिच भी करवाने हैं, उसके लिए हमें हाफ़ आवर वेट करना पड़ा। ये मैंने अपने घर के लिए भी ली है, स्टिच यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन जो प्रिंट हमने चूज़ किए हैं वो नहीं थे। कोई बात नहीं, हमने वेट करना ही मुनासिब समझा, और इस टाइम पे हमने ये किया कि हमने भाई लोगों को भेज दिया जी फूड सेंटर, जो भाई ने घर के लिए राशन लेना था वो उस साइड पर चले गए हैं। अब्दुल्ला और भाई और सुहेल भाई वो सब एक साथ हैं, मैं और अली अलग हो गए हैं, क्योंकि हमने कहा आधी शॉपिंग हम कर लेते हैं, बाकी आप लोग देख लो, एक साथ रहेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो साथ साथ दोनों शॉपिंगें चल रही हैं, वो उस तरफ कर रहे हैं और हम लोग इस तरफ। फेवरेट जूस, इसको इंजॉय करते हैं। और मैं साथ ही आप लोगों को बताती चलूं, मैं हूं इस टाइम सुख सवारिख, जिसको हिराज भी कहते हैं, गेट नंबर 8 पे हूं मैं। सारा आसपास ही मैंने यहीं के सामान लिए, यहीं से मैंने बेडशीट, सामने से मैंने अबाए, और दूसरी साइड पे बर्तनों के पोर्शन में चल के देखते हैं कि भाभी को वहाँ से क्या चाहिए। देखो तो ये एशिया की सबसे बड़ी खूबसूरत और सस्ती मार्केट है हिराज, यहाँ पर एक से एक आला से आला चीज़ अवेलेबल होती है। ये देखिए माशाल्लाह से, ये चीज़ें मैंने आपको दुबई सेंटर पे भी दिखाई थी, लेकिन वहाँ पे बहुत कॉस्टली थी, मुझे चाहिए थी ये मिसाले के डब्बे जो भाभी को चाहिए, उनको मैंने दिखाए इमो पे, पसंद है, मैंने ये 2 सेट इसके लिए हैं, 50 रियाल पर सेट मुझे ये मिला है, 2 सेट मैंने ऑर्डर किए हैं, वो ढूंढ रहे हैं, मुझे जैसे स्टॉक से निकाल के देता है। जब तक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी बाकी शॉप, थैंक यू।
मेरा दोनों सेट अवेलेबल हो गया उसके पास, इसको लेते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट शॉप पे। मसल्स पेन रिलीफ मूव बाम, ये भी लिए हमने भाई के लिए। माशाल्लाह से 3 दर्जन उन्होंने मंगाई थी, और इतनी सारी उन्होंने क्यों मंगाई थी कोई आइडिया नहीं है, और ये किसी भी शॉप पे 3 दर्जन अवेलेबल ही नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से ली। साथ ही हमने 10 से 12 दर्जन ली हैं जी तस्बियाँ, ये ग्रीन और वाइट कलेक्शन मैंने ली है लेडीज़ के लिए, जो कि मुझे बहुत पसंद आई। बच्चों को पाकिस्तान शूज़ दिखाते दिखाते मुझे अपने लिए यहाँ एक सैंडल पसंद आ गई और वो मैंने ले ली, ये देखिए माशाल्लाह से। और अब हम निकले हैं जी हिराज से, हम निकल चुके हैं, हम जा रहे हैं बनी मालिक, जहाँ से हम लेंगे कार्टन सामान कार्गो कराने के लिए। तो सोचा पहले खाना खा लिया जाए, ये है बनी मालिक का मतम लाहौर, हम यहाँ पहुँच चुके हैं, खाना खाएंगे। मटन कबाब, चिकन टिक्का, और मैंने अपने लिए जी ऑर्डर किया था चिकन फ्राइड राइस। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे माहौल में हमने खाना खाया, ठंडा मौसम, ओपन रेस्टोरेंट, और बहुत ही खूबसूरत शाम के साथ हमने पेट पूजा की अपनी अल्हम्दुलिल्लाह। और जाते जाते हमने लीजिए अपने साथ मलाईदार कुल्फ़ी, ये देखें सब ने ही कुल्फ़ी इंजॉय की। चलते हैं घर को, अब्दुल्ला ने अपना न्यू बैग लिया था, घर आते ही उसने अपना जी न्यू बैग चेंज किया, सामान हमारा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है। और ये देखिए ये है वो सामान जो भाई फूड स्टोर से जाके लेके आए थे, जिसमें काफ़ी सारा घर का सामान था। आज की शॉपिंग हमारी हुई डन, हम लेके आ गए, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट बहुत शॉपिंग रहती है भाई की, हो सके तो हमारी शॉपिंग को इंजॉय करें। अगर आप लोगों को शॉपिंग से रिलेटेड, जगह के रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप लोग को कमेंट में पूछ सकते हैं, लोकेशन में वीडियो के साथ लगा दूंगी इंशाल्लाह से। हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।